नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RUR वर्सेस AMR के बीच जो होगा ओमान D10 का आज का दिन का दूसरा मैच होने वाला है, सेकंड सेमीफाइनल। तो डेफिनेटली नॉकआउट मैच है, तो दोनों टीम अपना बेस्ट 11 लेके खेलेंगे इस मैच में। हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे दोनों ही टीम के बारे में। काइंडली आप लोग ध्यान से अंदर देखना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा 3 से 4 मिनट का, बट इन्फॉर्मेटिव होगा ताकि आप एक बेटर टीम खुद अपने से क्रिएट कर लो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, लाइक करके स्टार्ट रखना। इस मैच के रिलेटेड फाइनल अपडेट, डेमो टीम्स वगैरह मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप जरूर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम। इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज़ करो, आई थिंक बेस्ट होगा। चाहो तो कॉमेंट सेक्शन वाले लिंक और चाहो तो सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो। फटाफट से मैं एनालिसिस में आता हूँ, लाइक करके स्टार्ट रखना। दोस्तों, सीरीज ओवरव्यू में 43 मैचेस हो चुके हैं, 14 बैट फर्स्ट, 28 बैट सेकंड ने विन किया अब तक इस टूर्नामेंट में। 90 के आसपास एवरेज स्कोर है। RUR देखोगे तो इनके जो सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है वो है खलीद खेल। वसीम अली कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते, बट लेके चलना पड़ेगा सेव जाने के लिए। नसीम खुशी बैटिंग फर्स्ट, डेफिनेटली आपके लिए गो टू पिक। मेहरान खान रख लो, एक्सपीरियंस है, ये नॉकआउट मैच है, एक्सपीरियंस प्लेयर नॉकआउट मैच में अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। मोहम्मद नदीम डिफॉल्ट है, हसनैन अली को आपको टीम में रखना पड़ेगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। हसनैन अली एज कैप्टन वाइस कैप्टन, कलीमुल्ला को रख सकते हो अगर अच्छे से देखोगे। हर मैच में इस बंदे का एक विकेट है, मतलब ओपोनेंट का जो पावर प्ले के बैट्समैन है उसको कैप वीसी बनाने से पहले एक बार सोच लेना। मोहम्मद रफ़ी लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बॉल फर्स्ट सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप कर देना। ओपनिंग बॉलिंग कलीमुल्ला, रफ़ी, हसनैन, डेथ में मेहरान, रफ़ी, नदीम करते हो आपको दिख सकते हैं। दोस्तों, AMR से अगर देखोगे करण सोनावले का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट इसको डेथ में बॉलिंग करने का मौका मिल जाता है और समहा उसको विकेट मिल जाता है। बॉलिंग फर्स्ट KMVC बेटर है। पतिगत अवले को डेफिनेट पिक। शाहरुख खान सिर्फ और सिर्फ बैट फर्स्ट। यसीर अली सिर्फ और सिर्फ बैट फर्स्ट। सेकेंड इनिंग्स में दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रफीउल्ला बड़ा मैच है, बड़े मैच में अक्सर बड़े प्लेयर को मैं बैक किया करता हूँ, तो रफीउल्ला डेफिनेटली गो टू पिक। जितेन रमानंदी लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड इनिंग्स में मे बी रोटेशन। फैजल शाह लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट, सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप। बिलाल खान एक और एक्सपीरियंस प्लेयर है, ओपोनेंट के पावर प्ले के बैट्समैन को कैप वीसी बनाने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो इंटरनेशनल खेलता है। मोहित पटेल को लेना है तो लो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट। दोस्तों, इनका बॉलिंग अटैक बहुत हद तक बिलाल खान के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो बहुत हद तक डिपेंडेंट रहेगा रफीउल्ला, जो आपको डेथ में करते हुए आपको दिख सकता है। बिलाल खान दोस्तों स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया रिसेंट टाइम्स में, बिलाल डेथ में बॉलिंग करा रहा है, तो बॉल फर्स्ट रख लो। फिलहाल कैप्टन करण सोनावले, वीसी, वसीम अली, मेहरान खान, रफीउल्ला हमारे पास, हसनैनुल वाहब, खलीद खेल, पी अथावले हमारे पास, कलीमुल्ला, फैजल शाह, हसनैन अली और मोहित पटेल। दोस्तों, ये रहेगा मेरा फिलहाल टीम। बहुत बड़ा मैंने वीडियो बनाया नहीं, बट इस मैच के रिलेटेड सभी अपडेट्स एंड बहुत कुछ डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, तो टॉस रिलेटेड एनी न्यूज़ और इसके बाद ओमान D10 सीरीज जब खत्म होगा न्यू सीरीज हम लोग कवर करेंगे, उसके लिए जरूर से आप अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल कर दो, एंड टेलीग्राम जुड़ जाना फाइनल अपडेट के लिए, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।